गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम इन क्लास। टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर 13, वंडरफुल टी केटल, पार्ट सेकंड। इन फर्स्ट पार्ट वी डिस्कस हाउ डिड द केटल ब्रेक एंड इट चेंज इनटू द एनिमल ऑफ बेजर। यस, लेट्स स्टार्ट। डोंट बीट और शट मी इन ए विनेगर केक, इट सेड, बिकॉज आई एम really kind-hearted and wish you well. It means, don't beat me or shut in a vinegar cake, it said. It is used for animal badger. Badger कह रहा है कि मुझे beat मत मारना और न ही मुझे इस vinegar cake में डिब्बे में बंद करना. Because I am really kind-hearted, मैं बहुत ही दयालु हूँ और बहुत well wishes चाहने वाला हूँ. What can I do for you? Asked the tinker. टिंकर ने पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? फीड मी ए लिटिल राइस नाउ एंड देन एंड डोंट पुट मी ऑन द फायर एज दैट स्टूपिड प्रिस्ट डिड। लुक हियर, क्या कहता है वो कि मुझे क्या दे दो, कुछ खाने के लिए चावल, और मुझे उस स्टूपिड प्रिस्ट की तरह फायर, आग में मत डालना। गोइंग ओवर, यस, गोइंग over to a corner of the room and taking a fan from the rack, the badger climbed up onto the frame of the lamp and began to dance on its one hidden leg, waving the fan with its four paw. यानी वो एक corner वाले room में चला जाता है और and taking a fan, और हाथ में क्या ले लेता है, fan ले लेता है, और badger जो है वो जो lamp है उसके ऊपर है ना, अपने हिडन पैर के ऊपर, लेग के ऊपर वो क्या करता है, डांस करने लगता है और पंखे को हिलाता है अपने पाँव के साथ। इट प्लेड मैनी अदर ट्रिक्स अंटिल द मेन स्टार्टेड अप, जो एंड देन द बेजर टर्न इनटू अ टी केटल अगेन। बेजर जो है वो बहुत अलग अलग तरीके से खेल बताता है और खेलता है, और अंटिल द मेन स्टार्टेड अप एंड देन द बेजर टर्न इंटू, और बेजर वापस किस में चेंज हो जाता है, टी केटल में। नेक्स्ट मॉर्निंग द डिलाइटेड टिंकर हायर्ड ए प्रोफेशनल शोमैन टू बिल्ड ए लिटिल थिएटर एंड स्टेज। अगली सुबह टिंकर क्या करता है, एक बड़ा शो रखता है और उसके लिए एक स्टेज और थिएटर का अरेंजमेंट करता है। देन ही ऑर्डर एन आर्टिस्ट टू पेंट सीनरी विथ द स्कर्ड माउंटेन फ्यूजिमा इन द बैकग्राउंड एंड क्रेन्स फ्लाइंग थ्रू द एयर, ए क्रिम्सन सन शाइनिंग थ्रू द बम्बू, ए रेड मून राइजिंग ओवर द वेव्स विथ गोल्डन क्लाउड्स एंड टॉर्टर एंड सच लाइक। वह एक आर्टिस्ट को ऑर्डर देता है कि एक सीनरी बनाओ जिसमें क्या हो, बैकग्राउंड में एक फ्यूजिमा माउंटेन बना हो और हवा में क्रेन्स उड़ते हुए बताए जाएँ, हंस उड़ते हुए बताए जाएँ, और क्रिम्सन सन शाइनिंग यानी क्रिम्सन यानी डार्क रेड कलर का चमकता हुआ सूरज बनाए है ना, और रेड मून राइजिंग ओवर द वेव्स, और रेड मून बनाए जिसके क्या हो, वेव्स निकलती हो, विथ गोल्डन क्लाउड्स, और किसके साथ हो, गोल्डन क्लाउड्स कैसे हो, गोल्डन, और कुछ टॉर्टोइज वहाँ हो, इस तरह की सीनरी बनाई जाए। देन ही स्ट्रेच्ड ए टाइट रोप ऑफ राइस स्टार्ट अक्रॉस द स्टेज, और स्टेज के ऊपर एक क्या बनाए, टाइट जो रस्सी है वो बांध दी जाए। हैंड बिल्स वर स्टक अप इन ऑल द बार्बर शॉप इन टाउन, और बार्बर शॉप जो है टाउन के अंदर उन सब पर क्या चिपका दिया जाए, हैंड बिल चिपका दिया जाए, एडवर्टाइजमेंट उसका किया जाए उस शो का। एंड वुडन टिकट्स ब्रांडेड विथ मैजिक टी केटल परफॉर्मेंस एडमिट वन वर सोल्ड, एक जने को क्या बेचा जाए, जो उस शो को देखना चाहता है उनको वुडन के टिकट बेचे जाए है ना, उस टी केटल को देखने के लिए। द हाउस वॉज स्पीडली फिल्ड द पीपल कमिंग इन पार्टीज ब्रिंगिंग देयर टी पॉट्स फुल ऑफ टी एंड पिकनिक बॉक्सेस फुल ऑफ राइस एंड एग्स एंड अदर रिफ्रेशमेंट्स बिकॉज दे केम टू स्टे ऑल डे। Mother brought their babies with them. The children enjoyed it most of all. The house was speedily filled. यानी जो
थिएटर है जो वो पूरी तरह से क्या हो गया, लोगों से भर गया है ना। और वो वहाँ पर क्या मनाने आने लगे, जैसे पार्टीज मनाने आए, अपने साथ क्या लेके आए, चाय है ना, और चावल से भरा हुआ बॉक्स खाने के लिए, अंडे और बहुत सारी रिफ्रेशमेंट की चीज़ें, और क्योंकि वो वहाँ पर पूरे दिन रुकते थे और उस शो को देखते थे। और मदर जो है अपने बच्चों को भी साथ में लाती थी, बेबीज़, बेबी BABY बेबीज़ का प्लूरल है बेबीज़, वाई हटा के IES लगाया है क्योंकि वाई से पहले क्या होता है, कॉन्सोनेंट है बी, इसलिए वाई हटा के IES लगाया। द चिल्ड्रन इन्जॉयड इट मोस्ट ऑफ ऑल, और बच्चे उसका बहुत आनंद लेते हैं। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन इज प्लूरल ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड सिंगुलर और चिल्ड्रन प्लूरल। देन द टिंकर ड्रेस्ड अप इन कलरफुल क्लोथ्स विथ ए बिग फैन इन हिज हैंड्स केम आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म। देन द टिंकर, जो टिंकर हैं वो क्या करता है, ड्रेस्ड अप इन कलरफुल क्लोथ्स, अलग अलग कलर के कपड़े पहनता है और हाथ में उसके क्या होता है, फैन होता है, और वो परफॉर्म प्लेटफॉर्म पर आता है। ही मेड ए पोलाइट बो एंड सेट द वंडरफुल टी केटल ऑन द स्टेज। वो पोलाइटली क्या होता है, वंडरफुल टी केटल को स्टेज पर रख देता है। एट ए वेव्स ऑफ हिज फैन द केटल रन अराउंड ऑन फोर लेग्स, है ना, जैसे उसके ऊपर फैन की वो गिरती है उसके ऊपर, और वो जो है केटल जो है उसके चार पैर पर वो दौड़ने लगती हैं। हाफ बेजर एंड हाफ केटल, अब वो क्या चीज़ में चेंज हो गया, हाफ बेजर और हाफ केटल में। क्लिकिंग इट्स लीड, क्लिकिंग यानी साउंड आती है, आवाज़ किसकी, उस ढक्कन की। एंड विगनिंग इट्स टेल, और वो पूंछ में चेंज हो जाती है। हाउ द चिल्ड्रन शाउटेड, और चिल्ड्रन कैसे चिल्लाते हैं। नेक्स्ट इट टर्न इन टू ए बेजर, और वो किस में चेंज हो जाता है, बेजर में। लुक डाउन द एनिमल ऑफ बेजर लाइक दैट, यस इट्स वेरी गुड शो। स्वेल्ड आउट इट्स बॉडी, स्वेल्ड यानी बिकम बिगर, है ना, उसकी जो बॉडी है वो बड़ी हो जाती है। एंड बीट ए ट्यून ऑन इट्स लाइक ए ड्रम, और वो ऐसे बजाता है जैसे कोई ड्रम बजा रहा हो। इट डांस ऑन द टाइट रोप, और वो उस रस्सी के ऊपर डांस करता है। एंड वर्कड द स्लेक रोप, और ढीली जो रस्सी है, स्लेक रोप लूज रस्सी है, उसके ऊपर क्या करता है, वो रोप पर चलता है। होल्डिंग ए फैन, और हाथ में क्या उसके फैन है। और एन अम्ब्रेला इन इट्स पाव, और क्या है उसके पास, अम्ब्रेला है उसके पैरों के बीच में। स्टूड ऑन इट्स हेड, और वह खड़ा है। एंड फाइनली ए फ्लोरिश ऑफ इट्स मास्टर्स फैन बिकम ए गोल्ड ब्रास टी केटल अगेन, और फ्लोरिश मीन्स ए मूवमेंट डेट मेक्स पीपल नोटिस यू। थोड़ी ही क्षण में है ना क्या होता है, वो ब्रास टी केटल में वापस चेंज हो जाता है। कौन, वो एनिमल बेजर। द ऑडियंस वर वर्ल्ड विथ डिलाइट, ऑडियंस बहुत खुश होते हैं ये शो देखकर। एज द फेम ऑफ द वंडरफुल टी केटल स्प्रेड, जो वो वंडरफुल टी केटल है वो पूरी जगह फेमस हो जाती है। मैनी पीपल केम फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंस टू सी इट परफॉर्म, और दूर दूर से लोग यहाँ पर इस परफॉर्मेंस को देखने के लिए, बेजर की परफॉर्मेंस को देखने के लिए आते हैं। यस देन द टिंकर ड्रेस्ड अप इन कलरफुल ईयर आफ्टर द टिंकर एग्जिबिटेड द वंडरफुल अंटिल ही ग्रू इमेंसली रिच। उस वंडरफुल टी केटल के कारण कुछ ही सालों में वो बहुत बड़ा रिच मैन बन जाता है। देन ही रिटायर्ड फ्रॉम द शो बिजनेस एंड आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड टुक द ओल्ड केटल टू द टेम्पल अगेन एंड डिपोजिटेड देयर एज ए प्रीशियस रिलिक। यानी वो अपने बिजनेस से रिटायर्ड हो गया है ना, अपने आप को वो रिटायर्ड कर देता है, और टी केटल को वापस कहाँ पहुँचाना चाहता है, टेम्पल में, एंड डिपोजिटेड, और उसको वहाँ पर सेफ रखना चाहता है ना, ओल्ड ऑब्जेक्ट के रूप में उसको, उस प्रीशियस केटल को। द ओल्ड प्रिस्ट वॉज गिवन ए गुडली सम ऑफ मनी टू डू नथिंग एल्स बट टेक केयर ऑफ इट, है ना, वो कहता है कि इसकी बहुत ही सावधानी से इसको वहाँ पर सेफ रखा जा सकता है। एंड ऑल हिज लाइफ इट हैड ऑल द फूड इट वॉन्टेड, और उसने उसको बहुत कुछ कमा के दिया, और उसके पूरे जीवन जो वो चाहता था भोजन उसे मिला। आफ्टर हिज डेथ इट टर्न इन टू एन ऑर्डनरी केटल, और उसकी मृत्यु के बाद वो वापस एक ऑर्डनरी केटल में चेंज हो गया। एंड हैज स्टेड सो एवर सिंस, इफ़ यू डू नॉट बिलीव इट, यदि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो,
इस बात पर, यू कैन गो टू द टेम्पल सम डे, तुम जा सकते हो कुछ दिनों के लिए उस टेम्पल में, एंड सी इट फॉर योर सेल्फ, और वह तुम देख सकते हो. यस, अंडरस्टैंड, गॉट इट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे.